आ जा बेटा, ये ले तेरे जन्मदिन का गिफ्ट, हैप्पी बर्थडे। छी पापा, आप ये गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? क्यों, क्या हुआ? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं खटारा स्कूटी चलाऊंगी? बेटा बड़ी मुश्किल से लाया हूँ, एक एक रुपया जोड़ के। तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या, मैं ये स्कूटी नहीं चलाने वाली। मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, जिनके पास कार है वो लोग तो मुझसे बात तक नहीं करेंगे। बेटा चला के तो देख, बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। पापा जिस मर्जी कंडीशन में हो मैं ये स्कूटी नहीं चलाने वाली, आप मुझे कार लेकर दे रहे हो या नहीं? बेटा इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? बस जो भी बोलो ना, आपका ये इमोशनल ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। मम्मी होती ना आज तो मेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर देती, आपने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। बेटा बेटा मेरी बात तो सुन, हमारे पेरेंट्स को चाहे कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो लेकिन हमेशा वो हमारी खुशी चाहते हैं, हमारी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं ताकि हमारे पेरेंट्स हमें खुश देख सके। लेकिन हम हमारे पेरेंट्स को कभी खुश देखना चाहते हैं? आपने कभी अपने पेरेंट्स को खुश किया है, खुशी दी है? अरे आप तो नाइट ड्यूटी करते हैं ना, और दिन में भी, तो आप सोते कब हैं? वो बीच में 2 घंटे का टाइम मिलता है ना सर, उसी में सो लेता हूँ। बस 2 घंटे? ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं नहीं मैं संभाल लेता हूँ। लेकिन इतनी मेहनत क्यों, वो भी इस उम्र में? वो क्या है ना, मेरी बेटी का ना जन्मदिन था, उसे मैंने एक पुरानी स्कूटी लेकर दी, उसे पसंद नहीं आई, उसे कार चाहिए। अब मैं दिन रात मेहनत करूँगा तभी तो अगले जन्मदिन तक उसकी कार आ पाएगी ना। बेटी के लिए इतना सब कुछ? हाँ, अब मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है तो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। चलिए आप अपना ध्यान रखिए। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, लेकिन हमने हमारे पेरेंट्स के लिए क्या किया है? कुछ नहीं। हमेशा उनको हम रुलाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, उनको कभी खुश नहीं रखते। पापा? अरे बेटा तू तू यहाँ कैसे? पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया फिर भी मैंने आपको इतना गलत कहा, मैं तो आपकी बेटी होने का हक ही खो चुकी हूँ। ना बेटा ऐसे नहीं कहते, अरे तू ही तो मेरा सब कुछ है और ये सब मैं तेरी खुशियों के लिए तो कर रहा हूँ। अपने बचपन से लेकर अब तक मेरी हर ख्वाहिश हर चीज पूरी की और मैंने आपकी कभी इज्जत नहीं की, मैं बस कंपेयर करती रही आपको अपने दोस्तों के पापा से कि उन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया, पर पापा उन सबके पापा ने जो मिलकर नहीं किया ना वो आप एक अकेले ने कर दिखाया, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा माँ बाप बच्चों की खुशियों के लिए करते हैं ना सब कुछ। अब देख ज्यादा इमोशनल मत हो, चल आइसक्रीम खाते हैं। आओ। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे लिए गिफ्ट्स लेके आते हैं, पता नहीं मतलब ऐसी चीजें जो कोई नहीं कर सकता वो हमारे पेरेंट्स करते हैं। लेकिन हमने हमारे पेरेंट्स के लिए क्या किया है, आप बता सकते हैं कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए क्या किया है? जल्दी से कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि आपके पेरेंट्स आपके पास है, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनके पास नहीं होते, वो अब गिल्टी फील करते हैं या फिर ऐसा महसूस करते हैं, उनको मिस करते हैं, लेकिन जब वो उनके पास होते हैं तब उनको उस चीज़ की कदर नहीं होती है, पेरेंट्स की कदर नहीं होती है। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स की कदर कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनका हमेशा ख्याल रखिए, उनको किसी भी चीज़ की कमी मत होने दीजिए और इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और जब भी आपके पेरेंट्स आपके लिए कुछ लेके आए, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो, तो आप प्यार से रख लीजिए क्योंकि उसमें आपके पेरेंट्स का मतलब पेरेंट्स का प्यार होता है। तो आप प्लीज़ हमेशा उनका सम्मान करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें, हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।